हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन के बेल को जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए आज स्ट्रॉबेरी वाले पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहो तो कंटिन्यू भी चला सकते हो और बेबीज़ के लिए तो ये फ्रॉक में, कैप में, बुट्टू में बहुत अच्छा बन के आता है। और चलिए तो इसमें मैं बता लेती हूँ आपको इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है। नंबर एक, आप हैंड द्वारा भी नीड कर सकते हो और नंबर सेकंड, बटन का भी यूज़, जो आपको इजी लगे। मैं दोनों ही तरीका आपको बता लूँगी। तो इसके साथ साथ ये एम्ब्रॉयडरी भी बता लूँगी मैं कि एम्ब्रॉयडरी किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो आप जो है बच्चे बच्चे धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलिए इस इजी वाले पैटर्न को जो है हम जो है स्टार्ट करते हैं, स्ट्रॉबेरी पैटर्न। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ देखिए मैंने बॉर्डर तो डाल दिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरे थ्री, ठीक है, ये थ्री है। पहले मैं आपको हैंड से नीट करके बता रही हूँ, इस तरह से 1 2 3, ठीक है। अगेन इस तरह से, ये आपने मतलब आपको बबलिंग्स मतलब कितनी बड़ी चाहिए तो आपने 5-6 बारी भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये वाला स्टेप, ये मैं आपको हैंड से बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने को लगता है कि आपने बटन यूज़ करनी, तो जब सिंपल नीटिंग वाली जो सिस है वो क्या करेगी, वाइट बटन को यूज़ करेगी। अगेन मैंने यहाँ से जो है इस तरह से, यहाँ से मैंने इस तरह से इसी का एक फंदा इसी तरह से इसी यूँ करना है, फोल्ड कर देना है मैंने, ठीक है। और फिर दोबारा से इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप मशीन का यूज़ करना चाहते तो मैं मशीन का भी बता देती हूँ मैं आपको। फिर मशीन में मैंने इस तरह से, ठीक है, मैंने बटन दबा दिया है इसके। अगेन मेरी ये जो मेरे थ्री जो नीडल्स है ना, मेरी थ्री का गैप रखा है मैंने, ठीक है, थ्री नहीं मैंने बुनने, ठीक है। तो ये थ्री ही बुने जाएंगे। तो ये कैसे, तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, इस तरह से। और फिर मैंने अभी मैंने ये थ्री के थ्री है ना, फिर मैंने प्रेस ऐसे ही कर लेनी है, बाहर को निकाल देनी है, पीछे की ओर कर लेनी है। अगेन इस तरह से निकाल देनी है, ठीक है। फिर दोबारा से बैक में ला देनी है, फिर दोबारा से इस तरह से। अगर आपको ये इसी लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से। तो पूरी रो आपने थ्री का डिस्टेंस करते हुए इस तरह से करना है और नीचे से फोल्ड करते हुए जाना है। अभी मेरे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगेन फिर दोबारा से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अगेन फिर दोबारा से इस तरह से मैंने इसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने इसे पक्का कर लेना है, इस तरह से। बहुत अच्छा पैटर्न बन के आता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मुझे जो है बिना बटन के भी अच्छे लगा है, तो बिना बटन के बहुत इजी है। फिर दोबारा से थ्री स्टेप, ठीक है, 1 2, अगेन 3, ठीक है। फिर दोबारा से इसे जो मैंने नीट कर रही हूँ इस तरह से, और फिर इस तरह से, ये मुझे अच्छा लगता है इस तरह से करना। तो चलिए आप भी पूरी रो इस तरह से ले लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। ये फ्रेंड्स, पूरी रो में मैंने जो है बबलिंग्स बना दी है। अब सेकंड स्टेप क्या रहता है, सेकंड स्टेप में मैंने इस तरह से थ्री नीडल्स वाली पिन का यूज़ करना है, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से बंद कर लेना है पहले ताकि मेरे को ईजी हो जाए, ठीक है। और फिर सिंगल पिन से जो है मेरे जो बैक का धागा था ना, उसे मैंने फ्रंट की ओर लाना है, ठीक है। और फिर इस तरह से जिसमें मैंने निकाला था उसी में मैंने डालना है, इस तरह से। अगेन मैंने बंद कर दी है नीडल्स, ठीक है। अगेन मेरा बैक वाला मेरा फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगेन इस तरह से, और मैंने इसे बंद कर लिया है। और फिर अगेन बैक वाला मेरा फ्रंट में, ठीक है।
और जिससे निकाला था उसी में मैंने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। राइट लेफ्ट कहीं नहीं, अगेन बता रही हूँ, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इजी हो जाता है हमारे को, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से मैंने फ्रंट को लाना, इस तरह से। तो पूरी रो इसी तरह से करते हुए जाना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अगेन फिर दोबारा से नीडल्स बंद होनी चाहिए हमारी, ताकि इजी से ट्रांसफर हो सके, इस तरह से, इस तरह से। इसमें बहुत प्रकार की जो है बुंदियाँ भी बनती है, मैं एक एक करके वो वीडियो लाऊंगी, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में बबलिंग, सेकंड में मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया, यानी जो मेरा बैक का जो धागा था वो फ्रंट में किया है। अब मैंने मैंने बटन बंद कर देना है व्हाइट वाला, ठीक है, और सिक्स रो मैंने जो है प्लेन लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितनी 6। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है यहाँ पर इसका सेंटर, ठीक है, जो मेरी ये अनेदर धागे का था ना, अब मैंने इस तरह से देख, ध्यान से देखना है आपने, फिर धागा पकड़ लेना है, फिर इसे जिस पिन से निकाला था ना उसमें से ही अब दोबारा से सेंटर देख लेना है। ये पिन में ही रख लीजिए आप, धागा उठा लीजिए आप अच्छे से, और देखिए फिर इस तरह से पूरी रो ऐसे ही करनी है आपने। अगेन सेंटर, देखिए इसका सेंटर होता है 3 का, यानी मेरे 3 है तो मेरे ये वाला, ठीक है, सेंटर वाला, तो इस तरह से, और फिर इस तरह से, इस तरह से, अगेन फिर मेरे यहाँ पर सेंटर का, इस तरह से, ठीक है। तो पूरी रो इसी तरह से करते हुए जाना है। देखिए जैसे मैंने ट्रांसफर कर दिया तो मैंने राइट एंड लेफ्ट की रो ले ली। चलो पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखा लेती हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप कितना अच्छा बन के आ गया है। तो सेकंड, सेकंड पे अब मेरे ये बबलिंग्स है ना, ये यहाँ निकलेगी, यानी जो मेरे 3 प्लान्स थे ना इसके यहाँ पर निकलेगी, और सेम वैसे ही अब मैंने क्या करना है, अब इसका सेंटर, इसी सेंटर में 3 बबलिंग, धागा मेरे इधर को आ गया कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से 3 बबलिंग्स यहाँ पर बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो भी मेरी पूरी हो चुकी है। अब फिर वैसे ही मैंने फर्स्ट में मैंने ये देखिए बबलिंग की, सेकंड में मैंने क्या करना है तो आप मैंने बता दिया है, फिर अगेन बता रही हूँ, इस तरह से। और जल्दी मैं आपके साथ एक और चेरी वाला पैटर्न भी मैं बना रही हूँ, उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी, इस तरह से सारे के सारे मैंने इस तरह से ट्रांसफ़र करने हैं, इस तरह से, इस तरह से, यानी बैक का धागा फ्रंट की ओर लाना है। पूरी रो मैंने ऐसे ही कंप्लीट करनी है,
देख लीजिए। इस तरह से अगेन फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कितनी रो लेनी है, 6 रो लेनी है, 10 लेनी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब मैंने इनका सेंटर देख लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इस पेज का सेंटर मेरा ये वाला रहता है, ठीक है। और फिर नीडल नीचे को की मैंने, और फिर मैं धागा ऊपर को करना है। पूरी रो मैंने ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कढ़ाई का बता देती हूँ, ठीक है ना। इस तरह से, इस तरह से, अगेन, इस तरह से, अगेन, इस तरह से, इस तरह से। तो चलिए आप भी बना लीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एम्ब्रॉयडरी सेशन को। मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर पहले यहाँ सेंटर देख लेना है, ठीक है, इसका सेंटर, और डबल धागा लगा दिया है मैंने, अगेन इस तरह से यहाँ होल में, ठीक है। और फिर इस तरह से करना है, इस तरह से अगेन इसी होल में वापस आना है आपने, और अगेन इसी होल से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। सेकंड तो हो गया, अब मेरा थर्ड मेरा सीधा ही जाएगा। उसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा से मैंने यहाँ सेंटर में इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से मैंने सब में जो है एम्ब्रॉयडरी करनी है। फिर अगेन इस तरह से, ठीक है। एक स्टेप मेरा ये है, ठीक है। अब मेरा सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो आपने पूरा ऐसे करते जाना है, सेकंड में यहाँ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इस तरह से ये, इस तरह से, और फिर ट्रायंगल में इस तरह से निकालते हुए इस तरह से, ठीक है। फिर इस तरह से अगेन मैं आपको दोबारा बता लेती हूँ, चाहे आप राइट रख लीजिए, चाहे आप लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से यहाँ सेंटर में जाना है, सेंटर में ही वापस फिर आना है, इस तरह से। अगेन दोबारा से बता लेती हूँ, इस तरह से, ठीक है। फिर दोबारा से इस तरह से, इस तरह से, और फिर इस तरह से, ठीक है। चलिए आप भी बना लीजिए। चलिए फ्रेंड्स डॉगरी वाले पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। लास्ट स्टेप मेरा ये वाला है, तो मैं इसको बता रही हूँ। इसमें मैंने इस तरह से देखिए 1, 2, 3, ठीक है। इसमें जितने मतलब आपको ये
मोटा मतलब बबलिंग चाहिए तो उतनी बारी आपने से लपेटना है, ठीक है। इस तरह से अगेन इस तरह से, ठीक है। अब गर्मियों के दिन भी आ रहे हैं तो चलिए आप भी बना लीजिए, निटिंग मशीन में प्रिपेयर करके एम्ब्रॉयडरी के लिए एक टाइम दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से अगेन, चलिए अब मैं आपको पूरे शो आउट करा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, जिसमें मैं आपको चेरी वाला पैटर्न लेके आऊँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़।